हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप ग्रेटेड गाजर, 2 कप फुल फैट दूध, 1/2 कप खोया और ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं। हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें हम सबसे पहले इस ग्रेटेड गाजर को डालेंगे। उसके बाद हम प्रेशर कुकर में दूध डालेंगे और गाजर और दूध को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। इसको हमें स्लो फ्लेम पर 2 सीटी आने तक पकाना है। ध्यान रखिए, बहुत तेज़ आंच में इसको ना पकाएं, वरना सारा दूध प्रेशर कुकर से बाहर आ जाएगा। जब प्रेशर कुकर थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे। अब हमने जो ये गाजर दूध में पकाया है उसको किसी कढ़ाई में डालेंगे और हम सारा दूध भी डालेंगे गाजर के साथ जो भी प्रेशर कुकर में है। इसको एक बार अच्छी तरह से स्टर कर देंगे और उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे। अब इस गाजर और दूध को हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है और इसको हमें लगातार हिलाते रहना है ताकि ये तले से न चिपके। जब गाजर में से सारा दूध सूख जाए उसके बाद हम इसमें 1/2 कप चीनी डालेंगे और चीनी को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1/2 कप खोया डालेंगे और खोए को भी गाजर में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून घी डालेंगे और घी को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसको 5 मिनट तक और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद हम इसमें अपने चॉप्ड ड्राई फ्रूट डाल देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून घी फिर से डालेंगे और उसको इस हलवे में मिक्स करेंगे। इसको हमें लगातार हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे और उसको इस हलवे में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमें इस हलवे को लगातार हिलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि ये साइड्स को छोड़ने ना लग जाए। गाजर का हलवा अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस हलवे को गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।